हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूँ सोनिया, सोनिया ब्लॉग चैनल से। और ये जो दिख रहे हैं आपको, ये कल वॉश किए थे कपड़े मैंने, तो इनकी बस तह लगानी है मुझे। मैं इसीलिए बैठी थी, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बना के रखी है ग्रोसरी शॉपिंग की, तो आपके साथ वही शेयर करूंगी। तो पहले आपसे करती हूँ थोड़ी सी बातें कि कैसी शॉप करती हूँ, एक अफोर्डेबल शॉपिंग, क्योंकि किसी मॉल या किसी ऑनलाइन या फिर रिलायंस फ्रेश टाइप की शॉप से मैं नहीं करती हूँ शॉपिंग, क्योंकि मुझे वो अफोर्डेबल नहीं लगती है। जैसे हम लिस्ट बना के लेके जाते हैं, तो मेरी लिस्ट का जो सामान लिखा हुआ है मेरी हैंड राइटिंग का लिखा है, जो उन्होंने अमाउंट लिखना था वो उन्होंने लिख के दिया हुआ है, तो दोनों की हैंड राइटिंग अलग है, आपको इजिली समझ आ जाएगा। और ये अफोर्डेबल क्यों है मैं ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि वो है एक होलसेलर शॉप, जो वो होलसेलर प्राइस पे और लोगों को देते हैं बोरियों का रेट, वही हमें खुला देते हैं। मुझे नहीं, ऑलमोस्ट जो भी उनकी शॉप पे जाएगा, बच्चा जाए बड़ा जाए, हर किसी का एक ही रेट है। वो सबसे हमें लेते हुए कम से कम 30 साल तो हो ही गए हैं, जहां तक मेरा मानना है, मेरे होशोवास में 30 साल हो गए हैं। खरीदने का एक बेनिफिट और भी है, अगर मुझे कोई सामान पसंद नहीं आता है तो मैं उसे चेंज भी करवा सकती हूँ। जैसे मैं दाल लेके आई, अगर वो गली नहीं तो मैं चेंज करवा देती हूँ, ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन में बता रही हूँ। ये इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कई बार जैसे हम लाल मिर्च वगैरह लेके आते हैं, तो उसके कई ब्रांड आते हैं, मैं एवरेस्ट या एमडीएच का यूज करती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ और ब्रांड दिखाते हैं कि ये आया है, बीच में आर्ची आ रहा था, उसके भी मसाले अच्छे हैं लेकिन उतने अच्छे मुझे नहीं लगे, तो मैं अपना एमडीएच या वही एवरेस्ट ही यूज करती हूँ। तो उन्होंने बोला यूज करके देखो अच्छे हैं, मैंने किया, ठीक थे, लेकिन ये जैसे अब मुझे शुरू से आदत उसकी है, तो मुझे उसके आगे वो इतने अच्छे नहीं लगे, तो मैंने वो खुला पैकेट ही, बड़े पैकेट होते हैं 200 ग्राम की मिर्ची होती है, उसे खत्म होने में मेरा पूरा एक महीना लगता है, और जब हम किसी चीज को पसंद नहीं करते तो उसे हम 2 दिन भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो इसलिए जी थी, तो वो मैंने उनको वापस खुली पैकेट की वापस करा। और आपको मैं अभी दिखा भी दूंगी, पूरी लिस्ट दिखाऊंगी, पूरा राशन दिखाऊंगी कितना फ्रेश, आपके साथ शेयर करती हूँ अपना ग्रोसरी शॉपिंग। इस तरीके की पॉलोथिन पैक में मेरा सामान आता है, अब तो ये सील होने लगी है, इसलिए अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि इस तरीके की पॉलोथिन में आएगा। तो मैंने इसी तरीके से लगा दिया है, 1 kg, 1/2 kg और 250 ग्राम के हिसाब से। तो ये है चना दाल, पैकेजिंग मैंने सबकी खोल दिया, आप क्वालिटी देख सकते हो, और चना दाल है ये, अरहर दाल जिसे तुहड़ दाल भी कहा जाता है, और ये है मूंग मसूर की बारीक वाली देसी दाल, तो हमें यही पसंद है ज़्यादा बारीक वाली। और इस बार मैंने 500 ग्राम से ज़्यादा लिया है, ये 1 किलो से कम, 500 ग्राम से ज़्यादा है। तो राजमा और बिल्कुल फ्रेश है, और ये है काबली छोले, वाइट सफ़ेद छोले, ये मैंने 1/2 किलो लिए हैं, और ये है ब्राउन वाली मसूर की दाल और काले छोले। काले छोले ये देसी वाले हैं, जो भीगने के बाद भी छोटे रहते हैं और खाने में काफ़ी टेस्टी होते हैं, ये वही हैं। और लोबिया, लोबिया ज़्यादा नहीं लिया है क्योंकि एक ही बार बनाना होता है, तो ये 250 ग्राम लिया है। और ये है साबुत माँ, साबुदाना, और ये टूटी माँ की दाल, और बेसन भी मेरा ओपन में ही है। अरहर दाल 80 रुपये की 1 किलो, ठीक है, चना दाल 60 रुपए की 1 किलो, 10 रुपए के 1/2 किलो, 90 रुपए किलो, साबुत मसर बारीक वाली 35 रुपए, मूंग मसर बारीक वाली जो कि मैंने आपको बोला था 1 किलो से कम है, 1/2 किलो से ज़्यादा थी वो ये 52 रुपीस की, साबुत माँ 18 रुपए, और 18 रुपए सफ़ेद छोले 35 रुपए के 1/2 किलो, 17 रुपए पाइया, लोबिया 20 रुपए पाइया, काले छोले 30 रुपए के 1/2 किलो लिया था, चाय पत्ती टूटे स्टार की यूज़ करती हूँ, 45 रुपीज़ की, 50 रुपीज़ MRP होती है उसकी, आप देख सकते हैं 50 रुपीज़ की MRP है, लेकिन 45 रुपीज़ की मुझे देते हैं, ठीक है। पोहा 1 किलो लिया है मैंने, और खुला ही लेती, कोई पैकेट का नहीं लेती हूँ, बहुत अच्छा पोहा होता है, 35 रुपीज़ 1 किलो का, 35 रुपये का। 100 ग्राम अमृतसरी बढ़िया 15 रुपए की, अमृतसरी बढ़िया क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ अभी, ये बढ़िया होती है, इसे बोलते हैं अमृतसरी बढ़िया, अब ये क्यों बोलते हैं ये नहीं मुझे पता, अमृतसर से ही आती है इसलिए बोलते हैं। और ये 3 पीस पूरे
चढ़े हैं और मुझे एक पीस यहाँ पे 10 रुपए का मिलता है। पोहे की क्वालिटी भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए साफ सुथरा, बिल्कुल भी कोई गंदगी नहीं। और जो इसकी थिकनेस है ना, ये चीज़ मोटापन है, ये काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है और ज़्यादा बारीक भी नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है इसकी। और बस मैं धारा लेके आई हूँ, कई बार धारा और कई बार फॉर्चून लेके आती हूँ मैं, तो धारा लाइट्स का लेके आई हूँ। ये एक एक लीटर का होता है और इसकी MRP मैं आपको दिखा देती हूँ पहले। MRP 110 रुपये है, ठीक है, 82 रुपीस में। ये देखिए 1 kg रिफाइंड 82 रुपीस। सरसों का तेल भी मैं खुला लेती हूँ, वो कोल्हू से मंगवाते हैं, वो वाला तेल 2 लीटर तेल में लेके आई थी 162 रुपीस का। कोल्हू की दुकान से भी अगर मैं लेती हूँ तो इतने का ही। ये मेरी राइटिंग है और ये शॉपकीपर की, 185 रुपीस की 5 kg चीनी है, आपके सामने लिखा है 10 किलो चावल 440। ये इसलिए है क्योंकि 44 रुपीस वाले यूज़ करती हूँ मैं चावल, बहुत अच्छे हैं वो चावल। और मैंने मिक्स दाल ली थी, वो 18 रुपये की पड़ी थी मुझे, 250 ग्राम, उसमें सारी दालें वो मिक्स कर देते हैं इस तरीके, 4-5 दालें मिक्स कर देते हैं, तो ये दाल भी बनाने में काफ़ी स्वाद लगती है। 100 ग्राम लाल मिर्ची 25 रुपये की, 100 ग्राम हल्दी 25 रुपये की, 100 ग्राम धनिया पाउडर, ये 2 पैकेट मैंने लिए तो ये 200 ग्राम हो गया ना, 200 ग्राम वाले, तो ये 50 रुपये के। जीरा 100 ग्राम जवैन लिए मैंने 18 रुपए की, मीठी सौंफ का पैकेट लिया 25 रुपए का 100 ग्राम का, ये मैंने 200 ग्राम 12 रुपए की, काली मिर्ची मैंने 20 रुपए की ली है, वो 20 रुपए की है, कश्मीरी मिर्च मैंने नहीं ली क्योंकि कह रहे थे लाल मिर्ची ये भी बहुत अच्छी है, तो मैंने नहीं ली, देखती हूँ। और ये 2-3 सामान मेरी लिस्ट से बाहर के थे, इसमें कपूर वगैरह नहीं लिखा था, तो यहाँ पे कपूर लिया 45 रुपए की, ये डब्बी दी है इन्होंने पूरी, 60 रुपए का रेट है ये, और 45 रुपए की इन्होंने दी है कपूर। ऐसे करके 2-3 चीज़ें ली थी मैंने अलग अलग, तो उसका इन्होंने ऐड किया, ये टोटल मिला के मेरा 1790 रुपए का बिल बना था। और जिसमें आप पूरी ग्रोसरी है मेरी, चावल चीनी सरसों का तेल सब कुछ पूरे महीने का है, महीने से ऊपर का ही है ये। और मैं आपको दिखा देती हूँ हल्दी, हल्दी का पैकेट मैंने अभी खोला है, आज के दिन हल्दी ख़त्म हो गई थी। ये नहीं, आशीर्वाद की आई थी इस बार, तो उन्होंने बोला ये यूज़ करके देखो, हमने यूज़ किए बहुत अच्छी है, इसमें 50 ग्राम एक्स्ट्रा है, तो जैसे कि मैंने 100 ग्राम ली है तो मेरे को ये 150 ग्राम पड़ी है और ये 25 रुपए की पड़ी है। 150 ग्राम हल्दी 25 रुपए में क्या माड़ी है, 30 रुपए की इसकी MRP है, वैसे का रेट 30 रुपए का है इसका, और ये मुझे 25 रुपए की पड़ी है। इसी तरीके से ये वाली लाल मिर्ची ली है, इस बार सारा आशीर्वाद के ही मसाले लिए हैं, कह रहे थे अच्छा है, मैंने कहा चलो यूज़ करती हूँ, यूज़ करने के बाद ही पता लगता है। ये भी 30 रुपीज की है, 30 रुपये। 2 लिए हैं धनिया के पैकेट, इन सब में भी ये 150-150 ग्राम के पैकेट हैं, और ये भी 25-25 रुपए के पड़े हैं, इनका भी रेट 30-30 रुपए ही है, 5-5 रुपए का इसमें फर्क है। बहुत अच्छा जीरा है, ये काली मिर्ची है, इसको मैं हाथ नहीं लगाऊंगी भाई, फिर उसके बाद लगना शुरू हो जाती है। 20 रुपए की है टोटली काली मिर्ची, अच्छा है, पैकेट ही है एकदम, कोई बारीक वाली चीनी नहीं है, ये काफ़ी अच्छी चीनी की क्वालिटी है, कोई सीलापन नहीं है, एकदम मिश्री की तरह खड़ी खड़ी है। 5 किलो चीनी 185 रुपीज़ की पड़ी थी मुझे, पूरी 200 रुपये में। और ये बासमती है, बस ये मैं मतलब हाफ वाला लेती हूँ, जैसे कि एक चावल का बीच में से तोड़ के डबल कर देते हैं वो है ये, और ये इतने छोटे होने के बावजूद इतने बड़े बनते हैं, मैं आपको बनाने के बाद कभी दिखाऊंगी, खुशबूदार, बहुत ही बढ़िया, दिल्ली धमाका करके नाम है। और ये इंडियन बासमती राइस, मैंने आपको बताया था कि ये बासमती राइस है, 25 किलो का नेट वेट होता है इसका,
और इसकी एमआरपी है 25 किलो की 1799 रुपये, जो कि हमें 1100 रुपये के हिसाब से मिलता है। पूरा पैकेट हम लेंगे 25 किलो का तो मुझे 1100 रुपये का मिलेगा ये, और आप देख सकते हैं सीधा सीधा 700 रुपये की बचत है इसके अंदर पूरा पैकेट लेने के लिए एमआरपी के अकॉर्डिंग। और पर केजी ये मुझे 44 पीस पड़ता है, और इसकी एमआरपी के अकॉर्डिंग मुझे पर केजी 72 रुपीज़ के समथिंग पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट है, और इससे ज़्यादा क्या कोई सस्ता लेगा। 100-200 रुपये का तो कोई भी पूरी बोरी पे फर्क दे देगा, लेकिन 700 रुपये का तो मुझे लगता है शायद ही कोई दे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ग्रोसरी शॉपिंग, आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और मैं मिलूंगी आपको किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।